हाय एवरीवन, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं उन्हें बतला दूं, मेरा नाम डॉक्टर सोमेश कुशवाहा है और मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी आयुर्वेद के विद्यार्थियों की हेल्प करने के लिए नई नई वीडियोस बनाता रहता हूं, जिससे आप एग्जाम्स में अच्छे नंबर्स ला सकें और अपने मनपसंद कॉलेजेस में सेलेक्ट हो पाएँ। तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेरीज हैं, उनके आंसर्स मैं भी लगातार देते जा रहा हूँ। तो आज इस वीडियो में हम उसी की बात करेंगे और उसके बाद फिर बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब वाली बातें करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला एक कमेंट है कि सर, वर्धा कॉलेज कैसा है? सर, मैंने आपका ये मैसेज पहले ही देख लिया है, इसके बारे में मैंने अपने फ्रेंड को क्वेश्चन भेज दिया है, तो जैसे उधर से कुछ रिप्लाई आएगी मैं आपको इसका रिप्लाई ज़रूर दे दूंगा। नेक्स्ट, सर स्टेट काउंसलिंग कब होगी? ये अभी सेंट्रल काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए उसके बाद ही स्टेट की नोटिसेज आती हैं, तो बस वॉच करते रहिए। जिस स्टेट के भी आप हैं वहाँ की ऑफिशियल साइट को डेली विजिट करते रहिए, और आप में से किसी को भी जिस स्टेट का भी इन्फॉर्मेशन मिलता जाता है मुझे ज़रूर एक बार बतला दीजिए। आप लोग या तो इंस्टाग्राम में DM कर दीजिए या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए या फिर कमेंट करके बतला दीजिए, तो बाकी लोगों के लिए भी सुविधा हो जाएगी जानने में। नेक्स्ट, सर AIR 841 OBC 349 रैंक रायपुर GAC कॉलेज में हो पाएगा सर इन एनी सब्जेक्ट? अगर आप स्टेट कोटा से बात करें तो स्टेट रैंकिंग को थोड़ा देखना पड़ेगा, पर अगर ऑल इंडिया कोटा से बात करें तो थोड़ा सा कठिन मुझे लग रहा है ये, क्योंकि क्या सीटें आती हैं क्या नहीं वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि स्टाइफन अच्छी खासी है, फीस कम है तो जल्दी लोग प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट, सर अगर सेंट्रल काउंसलिंग के मॉपअप राउंड में भी हम जो सीट चाहते हैं अगर वो ना मिले तो हम उसे छोड़कर स्टेट काउंसलिंग में जा सकते हैं क्या? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते आप। मॉपअप राउंड या लास्ट राउंड जो होता है उसमें जो मिल गया वो तो फिर लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज उस साल पूरा कैंसिल हो जाएगा आपका। ना तो आप सेंट्रल में कहीं पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, ना तो स्टेट में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। मैं ऐसे स्टूडेंट्स को जानता भी हूँ जिन्होंने अपना ये मौका गंवा चुका है। तो चॉइस फिलिंग वाइजली करिएगा कि जहाँ आप जा सकें वहीं का नाम भरिए, नहीं तो मत डालिए, तो मिलेगा ही नहीं आपको, तो टेंशन नहीं होगी। नेक्स्ट, सर 742 AIR है, EWS गवर्नमेंट स्टाइफनरी सीट मिल जाएगा क्या? मिल जाएगा सर। AIR 1080, EWS 197, ऑल इंडिया में सीट के चांसेस हैं क्या? बिल्कुल चांसेस हैं, अंतिम अंतिम में कुछ तो बहुत अच्छा भी मिल सकता है आपको, बस लगे रहना पड़ेगा काउंसलिंग में। सर AIR 183, EWS 37, चांसेस ऑफ गेटिंग क्लिनिकल सीट्स इन महाराष्ट्र स्टेट और सेंट्रल? सबसे पहली बात बहुत बहुत बधाइयाँ, रैंक आपकी बहुत अच्छी है और क्लिनिकल सीट महाराष्ट्र स्टेट में तो मिल सकने का पॉसिबिलिटीज मुझे लग रहा है। सेंट्रल के थ्रू थोड़ा सा डाउटफुल है, सेंट्रल के थ्रू सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में कठिन है, बाकी रीजनल स्टेट्स में अगर देखने का कोशिश करें, आसपास के स्टेट्स में हो गया, जैसे हमारी स्टेट हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश, मतलब इधर स्टेट वाइज जो ऑल इंडिया कोटा है वहाँ देखने जाएं तो मिल सकती है आपको। फिर सर AIR 2374 कैटेगरी जनरल UP एनी चांसेस ऑफ गवर्नमेंट सीट? बहुत कठिन है, मैं तो कहूँगा वापस से तैयारी कर लीजिए तो बेहतर होगा। AIR 8000 जनरल कैटेगरी रैंक 2691, आई वॉन्ट टू टेक एडमिशन इन PTSR क्लिनिकल सीट इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट और डीम्ड यूनिवर्सिटी, इट इज़ पॉसिबल? इज़ इट पॉसिबल? तो 8000 रैंक पे प्राइवेट और डीम्ड में PTSR थोड़ा सा कठिन लग रहा, पर ट्राई कर लीजिए आप, चाहें तो मिल भी सकता है कहीं पे, क्योंकि रैंक बहुत ही ज़्यादा है आपकी। मैं तो सलाह दूंगा कि इतने पैसे बर्बाद करने के बजाय आप वापस से अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे रैंक के साथ इम्प्रूव करिए तो बेहतर रहेगा आपके लिए। सर AIR 4628 SC कैटेगरी रैंक 325, क्या गवर्नमेंट सीट मिल सकती है? बहुत बाहर हैं आप, तो मेरी तो सलाह होगी कि वापस से आप तैयारी करिए, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। सर प्लीज़ प्रोवाइड इन्फो रिगार्डिंग स्कोप आफ्टर PG इन नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स लाइक रोग निदान, संहिता, सिद्धांत एक्सेट्रा। आपने जो कमेंट किया है इसके ऊपर वीडियो की प्लानिंग मैं कर ही रहा हूँ, एक दो दिन में हो सकता है ये वीडियो आ भी जाए आप लोगों के पास, तो स्टे कनेक्टेड और ऐसे ही आप लोगों की जो भी क्वेरीज है मुझे लिख लिख कर बतलाते रहिए। हाँ, आज का इतना ही है, ऐसी क्वेरीज आप लिख लिख कर मुझे बतलाते रहिए, जो भी हो पाएगा मुझसे, हर संभव मैं प्रयास कर रहा हूँ आप लोगों के हेल्प करने की। काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी नई नोटिस अभी मेरे पास नहीं आई हुई है, और बस मेरे इस वीडियो से अगर आप लोगों को हेल्प मिल रही हो तो मेरी एक हेल्प करिएगा, मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक करवा दीजिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, जो मेरे लिए थोड़ा सा मोटिवेट मुझे देता रहेगा। और स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।